भाषा प्रैक्टिस करेंगे, हिंदी भाषा। लिखा है निर्देश, प्रश्न संख्या 26 और 27। निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्पों में से बेमेल शब्द को चुनिए। यहाँ चार हैं, इसमें अलग कौन है, बेमेल कौन है? सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष। सिर, शीश और शीर्ष एक ही है, लेकिन यहाँ पर मस्तक अलग है। तो 26 का सी ऑप्शन सही होगा, ये बेमेल है। 27 में देखो, लेखक लिखने वाला, पाठक पढ़ने वाला, संवाददाता यानी बताने वाला, प्रकाशक प्रकाशित करने वाला। लेखक, संवाददाता, प्रकाशक ये तीनों एक हैं, लेकिन पाठक पढ़ने वाला ये बेमेल है। तो 27 का बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 28 से 30 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। देखिए दिगंबर, अब इसका संधि विच्छेद करोगे तो दिक् धन अंबर होगा, तो यहां पर व्यंजन संधि होगी। तो 28 का बी ऑप्शन सही है। लाइन में है आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग यानी आत्मधन उत्सर्ग। ये देखिए, अगर आपने कक्षा 11 में अच्छे से पढ़ा होगा, लिखा है आत्मधन उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग, इसलिए जो है ये गुण संधि होगा। 29 का बी ऑप्शन सही। इसके बाद भवन, 30 में भवन, अयाद संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि। भवनम को होगा भोधन अनम, आपकी किताब में लिखा भवनम, और साफ साफ ऊपर लिखा है अयाद संधि, HOI वाया वाह। जब AIO और OH के आगे कोई स्वर आवे तो उन एच के स्थान में क्रमशः अय आय तथा अव आव हो जाते हैं, अर्थात ए के स्थान में अय, अय के स्थान में आय, ओ के स्थान में अव और औ के स्थान में आव हो जाते हैं। तो आज किताब में दिया हुआ है, तो लिखा भोधन अनम, तो यहाँ पर ओ आएगा, हो जाएगा भवनम, तो यहाँ पर अयाद संधि है। इसलिए बच्चों भवन का जो है पहला ऑप्शन सही होगा, अयाद संधि। इसमें दिया है निर्देश, प्रश्न संख्या 31-32 तक निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। यथा साध्य में कौन सा समास है? देखो, जहाँ पहला पद अव्यय हो, है ना, ये यहाँ पर यथा अव्यय है, तो यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। 31 का बी ऑप्शन सही है। जैसे देखिए, यथा काम, यथा शक्ति, यथा यथा जिसके पहले लगता है वो अव्ययी भाव समास होता है, यथा माने अनुसार, साध्य के अनुसार। तो यहाँ 31 का बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो है यज्ञशाला, यहाँ जो है समास पूछा गया है, यहाँ तत्पुरुष समास होगा। यज्ञशाला, पाठशाला, व्यायामशाला, गोशाला, इसमें सब में जो है तत्पुरुष समास होता है, इसलिए 32 का बी ऑप्शन सही होगा। निर्देश, प्रश्न संख्या 33 से 35 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भागों को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है, उनके बीच में आने वाले अंशों को 4 भागों यारा लावा में बांटा गया है। ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, वाक्य को ध्यान में पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए। देखिए लिखा है सूफी भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है ना, निराकार साकार, निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म। निराकार में या निर्गुण में फिर 2 भाग आते हैं, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। तो प्रेमाश्रयी में सूफी भक्ति काव्य धारा आता है। तो अब ये जो सूफी भक्ति काव्य धारा के जो या रा ला वा, इनको क्रम से रख करके एक सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है, इसको क्रम में बनाना है, सेंटेंस बनाना एक बन जाएगा। सूफी भक्ति काव्य धारा के, अब इसके बाद या रा लावा में कौन सा वाक्य रखा जाएगा, तो इसमें कौन ऑप्शन रखा जाएगा, तो यहाँ पर रा वाला आएगा पहले, यानी सूफी भक्ति काव्य धारा के प्रायः सभी कवियों की, अफीवी वाला वह वाला ले लो, कविताओं का काव्य सौंदर्य विभिन्न प्रकार के रूपकों, है ना,
इसके बाद प्रतीकों या बिंब योजनाओं के द्वारा को आकर्षक और अद्भुत लगता है, तो ये देख, आपका वाक्य बनेगा। तो सूफी भक्ति का विधारा के प्राय सभी कवियों की कविताओं का काव्य सौंदर्य विभिन्न प्रकार के रूपकों, प्रतीकों या बिंब योजनाओं के द्वारा आकर्षक और अद्भुत लगता है। तो यहाँ पर जो है 33 के पहले में आपका ए ऑप्शन सही होगा, रा वा या ला। तो यहाँ पर छा का पहला ऑप्शन सही है, रा वा या ला। कहा जाता है कि राष्ट्रीय और जातीय चेतना के विशिष्ट स्वरूप को मूर्त किए बिना, है ना, और जो साहित्य अपने अस्तित्व को अक्षुण नहीं रह सकता। बाद आखिरी में ही छे वाला जोड़ दो, और न सार्वभौम ही बन सकता है, और न सार्वभौम ही बन सकता है। तो ये आपका वाक्य बन जाएगा। तो यहाँ पर 6 का ए ऑप्शन सही है, ये क्रम रखा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं, निस्संदेह पिछले कुछ वर्षों में यह संतोष का विषय है कि लोगों का रुझान बढ़ा है शास्त्रीय संगीत में। इसको एक सेंटेंस बनाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा निस्संदेह, अब यहाँ पर रहा आएगा, यह संतोष का विषय है कि, है ना, पिछले कुछ वर्षों में शास्त्रीय संगीत में लोगों का रुझान बढ़ा है। और अंत में जोड़ दीजिए जो 6 में दिया है, और उपेक्षा भाव कम हुआ है। तो एक सेंटेंस बन जाएगा आपका कि जो है निसंदेह या संतोष का विषय है कि, है ना, कि जो है पिछले कुछ वर्षों में और शास्त्रीय संगीत में इसके बाद लोगों का रुझान बढ़ा है और उपेक्षा भाव कम हुआ है। ये आपका वाक्य बनेगा। तो राया वाला, और अंत में ये जोड़ दीजिए, और उपेक्षा भाव कम हुआ है। तो 35 में जो है 6 का ए ऑप्शन सही होगा, रा आएगा, फिर या आएगा, फिर वा आएगा, फिर ला आएगा। आगे प्रश्न संख्या 36 से 37 तक, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से जो शब्द समानार्थी नहीं है वह छांटिए। पाहुन, है ना, घर में जो मेहमान आते हैं, दामाद वगैरह आते हैं, उनको पाहुन कहते हैं। तो पाहुन देखो, अभ्यागत, अतिथि, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहते हैं, आगंतुक मेहमान। तो अभ्यागत, अतिथि, आगंतुक, पाहुन के समानार्थी हैं, लेकिन पावक माने अग्नि होता है, तो ये अलग है। तो 36 का सी ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए, अछूत, शिल्पकार, पंगु, हरिजन, अस्पृश्य। अच्छा, अस्पृश्य और हरिजन अछूत के समानार्थी हैं, इसमें शिल्पकार भी आएगा। तो यहाँ पंगु माने लंगड़ा होता है, ये अलग ऑप्शन है। तो 37 का बी ऑप्शन सही हो। यहाँ देखिए, प्रश्न संख्या 38 से 40 तक, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। विधि, निषेध, प्रलय, वियोग, विकल्प। विधि माने कानून, तरीका, है ना, तो विधि का होगा निषेध, उल्टा विधि का विलोम निषेध होगा। उर्वरा माने उपजाऊ होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ऊसर। इसके बाद संत का जो है विलोम होगा दुर्जन। तो 40 का बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 41 से 43 तक, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। दनुज, दैव, असुर, तमीचर। तो देखिए बच्चों, असुर, तमीचर और जो है दनुज, ये तीनों एक ही है, दैव यहाँ पर अलग है। तो 41 का बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 42 में देखिए, लोक, जगत, संसार, पृथ्वी। तो बच्चों, लोक, संसार और जगत ये तीनों एक ही हैं, लेकिन पृथ्वी यहाँ पर अलग है। तो 42 का डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 43 में, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अवधूत, धूत कहो, अवधूत कहो, जुल्हा कहो कोई। चेतावली में भी प्रयोग किया तुलसीदास ने इस शब्द का। तो ये 43 का डी ऑप्शन सही है, धूत कहो, अवधूत कहो, जुल्हा कहो कोई। तो ये देवनदी, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा के पर्यायवाची हैं। तो डी ऑप्शन अलग है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा, अवधूत। आइए यहाँ देखते हैं निर्देश प्रश्न संख्या 44 से 45 तक,
प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांट। मृगेंद्र, मृगधन इंद्र, है ना, मृगेंद्र। 44 में देखिए, मृगेंद्र, शार्दूल, अहि, हिरण, कुरंग। तो यहाँ मृगेंद्र शार्दूल शेर को कहते हैं, मृगेंद्र या मृगपति भी शेर को कहते हैं। तो इसका जो है ये शार्दूल होगा मृगेंद्र का, तो 44 का ए ऑप्शन सही। इसके बाद आता घोड़ा। देखो एरावत तो इंद्र के हाथी का नाम है ना, मधवा तड़ाग तालाब होगा, तो घोड़ा क्या डी ऑप्शन होगा, वाजी, वाजी माने भी घोड़ा होता है, तो इसका पर्यायवाची डी होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से एक व्यंग लेखक हैं, श्याम सुंदर दास, विद्या निवास मिश्र, राहुल शांकरात्यायन, ये तो जो है यात्रा वगैरह लिखते हैं। हरिशंकर पारसाई जो है व्यंग लेखक हैं, निंदा रस लिखा है इन्होंने इंटरमीडिएट में, तो 46 का डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखिए, प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि। ये सारे उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, लेकिन खेती के विषय में कृषक जीवन का वर्णन सिर्फ गोदान में आया, इसलिए 47 में बी ऑप्शन सही होगा, गोदान। द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है? हरिओध, मैथिली शरणगुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों द्विवेदी युग के हैं, लेकिन पद्म विभूषण किसे प्राप्त हुआ? तो पद्म विभूषण मैथिली शरणगुप्त को प्राप्त हुआ। हम प्रमाण के साथ पढ़ाते हैं, लिखा है भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को सन 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। तो 48 का बी ऑप्शन सही होगा, मैथिली शरणगुप्त को ही पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 49 से 50 तक निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। जगदीश, देखिए यहाँ पर जगत धन ईश होगा, जब इसको हम जोड़ेंगे तो ता का दा हो जाएगा तीसरा, तो यहाँ पर व्यंजन संधि है जगत धन ईश, 49 का ए ऑप्शन सही होगा। 50 का श्रेयस्कर, इसमें जो है आधा सा जो है ये विसर्ग बन जाता है, ये विसर्ग संधि होगा, 50 का ए ऑप्शन सही है, श्रेय धन कर श्रेयस्कर, तो ये यहाँ पर हम 50 का ए ऑप्शन सही है। इस प्रकार से बच्चों तैयारी करिए अच्छे से, और वीडियो पसंद आए तो